जवाब है, उसका क्या? मेरा बस यही, मेरा एक ही सवाल है, मांगे हमारी, मांगे हमारी, मांगे पूरी करो। जो आज ये एक रोजा भूख हड़ताल मैंने किया है, ये खाली इसका एक मदाई मकसद खाली एक है, वो ये है कि जो इन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का एक ख्वाब था कि जो भी गरीब है, जिनको जिनको हम दो कमरे वाले मकान बना के देंगे, उनके लिए उन्होंने ख्वाब एक दिखाया था ना, हम भी आपको पैसे दे देंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सोपोर में कौन सा सौतेली माँ का सलूक इनके साथ किया जा रहा है, कि इनको 271 केस अगर इनने पास किए, पैसा भी आया, इनके साथ इनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या ये समझे, मैं ये समझूँ कि सोपोर के साथ सौतेली माँ का सलूक किया किया जा रहा है? क्या इन गरीबों को हक नहीं है? अगर ये बेचारे गरीब अपने झोंडू में रहते थे, कौन सा हक बनता था इनको, जब इन्होंने पीछे माई टाउन माई प्राउड का प्रोग्राम यहाँ किया था और इनको प्लास्टिक के चक्के दे दी और इनको ये बताया कि ये जी आपका पैसा रहा तो आप जाओ बैंक में और आपका पैसा मिलेगा। वहाँ पे ये खजल हो गए, जलील हो गए ये बेचारे वहाँ पे। इनको अगर आज की डेट में कोई घर सवेरे आता है तो खाली एक ही आता है इनको, कि सवेरे 7-8 बजे 9 बजे इस कड़ाके की सर्दी में इनको एक कर्जदार खाली दस्तक देता है दरवाजे पर, बोलता है कि आपने मुझसे सीमेंट ले लिया है, लोहा ले लिया है, ईंट ले लिए है, छत के लिए टीन ले लिया है, उसका कर्ज उनको बेचारों को देना है। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, ये जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये अगर ये दावे कर रहे हैं, ये तो खोखले दावे ये कर रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि हम ये गरीबों के लिए है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन किस गरीबों के साथ है। अगर इन्होंने ये हमें बताया कि दफा 370 खत्म हो गया, 35(1) खत्म हो गया, गरीबों के लिए हम दूध की नदियां बहनाएंगे, मैं तो ये नहीं समझता हूँ। मैं मौजूदा हुकूमत को, ऑनरेबल डीसी को, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है, डीसी बारामूला है, जो हमारी मैडम इनकी डायरेक्टर लोकल बॉडीज है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता है, उस तक मैं ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। धीरज गुप्ता साहब, आपने सोपोर के साथ बहुत सौतेली मन का सलूक आज तक किया, लेकिन सोपोर के लोग अब कतनी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने एक हफ्ते के अंदर इनको पैसे नहीं दे दिए, जिनके पैसे जायज पैसे बेचारों के जिनके रिलीज हो गए, जो हमारे हुकूमत ने उनको पैसे आपके जो टाउन एरिया का अकाउंट है उसमें जमा भी हो गए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है इन गरीबों को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक हफ्ते का टाइम मैं गवर्नमेंट को फील दे रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी मेरे गरीब लोग सोपोर के हैं, जिनको ये पैसा, जिनके लिए ये पैसा रिलीज हो गया है, उनके अकाउंटों में ये पैसा जाना चाहिए, ये वरना अगले हफ्ते में जो यहाँ हमारा इनका दफ्तर है या एडीसी का दफ्तर है, उस दफ्तर को भी मैं लॉक करूंगा।